एक ही क्वेश्चन जो आपका बचा है वो क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोबो। और ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं आपने सुना ठीक है आप फिर चले गए। आप इसे दोबारा से भी स्टडी करोगे मेरे बोलने के बाद, तब जाके आपको ये दो बार याद करोगे तो याद होगी, अदरवाइज नहीं होगी ठीक है। इसलिए इसे ध्यान से कराया जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोबो, तो पहला आंसर आपका क्या आएगा, आधा घंटा ये टॉपिक है। फर्स्ट, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैनी वे, कैसे कैसे होते हैं वेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मैनिपुलेटर। अब ये वर्ड आपको समझ में आ गया, यस रिप्लाई फास्ट। जिसे नहीं आया मैं बता रही हूँ, मैनिपुलेटर मीन्स द असेंबली ऑफ बेस आर्म एंड दिस। ये बेस था ठीक है, ये आर्म थी, और आर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ था, रोबो रिस्ट। ये रिस्ट हाँ, तो यही है मैनिपुलेटर का मतलब, और कुछ नया नहीं है ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम तीन तरह से बांट, पांच तरह से रोबोट्स को बांट सकते हैं। ये है उनके नाम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है रोबोट्स चैप्टर का। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, वो सिस्टम कैसा है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट रोबो हो सकता है और कंटिन्यूअस पाथ हो सकता है। तो कंटिन्यूअस पाथ मींस, देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है आपको, ये नहीं है जल्दी में करा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी आप समझोगे कि पॉइंट टू पॉइंट मींस देयर इज मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। रोबोटिक आर्म इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, रोबोटिक आर्म इज पिकिंग दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एरिया, एक एरिया से ऑब्जेक्ट को पिक करा और दूसरे एरिया में क्या कर दिया, उसको जाके रख दिया, प्लेस कर दिया। तो ये पिक एंड प्लेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। वी आर नॉट कंसर्न उसने क्या पाथ फॉलो करा। ये सीएनसी के जैसा ही चल रहा है चैप्टर पूरा की नहीं, सीएनसी में भी तो ये वर्ड थे, पॉइंट टू पॉइंट और कंटिन्यूअस, कुछ नए थोड़ी है ये। बस मैंने रोबो वर्ड लगा दिया है, तो मैंने बोल दिया रिपीट करना हम क्या था हम ये पॉइंट टू पॉइंट में क्या हो रहा है। देखो जो सीएनसी में होती थी पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग, तो उसमें क्या होता था, वर्क पीस पे एक जगह पे वो होल ड्रिल कर रहा था और फिर दूसरी जगह पे ड्रिल कर रहा था ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग सीएनसी मशीन्स में क्या थी, दैट इट इज वर्किंग एट वन पॉइंट, मशीनिंग एट वन पॉइंट, देन इट इज गोइंग एंड मशीनिंग एट अदर पॉइंट, एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पाथ इज फॉलोड, क्या पाथ उसने फॉलो करा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई सा भी पाथ फॉलो करे, छोटा करे या बड़ा करे ठीक है, हमें मतलब है उसने इस पॉइंट पे ड्रिलिंग करी या नहीं की। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट रोबोट्स का क्या मतलब है, दैट वी आर पिकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अब उसकी वर्किंग हो गई है पूरी ठीक है। जो भी पैलेट होती थी, पैलेट पे वर्क पीस रखे रहते हैं, अब उसकी वर्क पीस खत्म हो गई है, फिनिशिंग ठीक है। सीएनसी मशीन ने काम पूरा कर दिया है, सीएनसी मशीन से रिलेट करो इसे, सीएनसी मशीन ने काम पूरा कर दिया है। अब आप चाहते हो इस ऑब्जेक्ट को उठा के एक टेबल में रखना या एक बिन में रखना ठीक है, उसे बिन में रखना चाहते हो कि इसकी वर्क पीस की फिनिशिंग पूरी हो गई है, तो ये आप नहीं करोगे वहां जाके, कौन करेगा, आप भी कर सकते हो ठीक है, लेकिन कौन करेगा, ऑटोमेटिक रोबो करेगा। तो रोबोटिक आर्म विल पिक दिस फ्रॉम वन पॉइंट एंड इट इज पुटिंग इट एट अनदर पॉइंट। तो ये पिक एंड प्लेस, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, पिक एंड प्लेस। आगे फाइल में ये लिखा हुआ है पिक एंड प्लेस क्या होता है, क्योंकि इसने एक बार एक जगह से पिक किया, एक जगह से प्लेस कर दिया, तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट रोबो। कंटिन्यूअस पाथ रोबो क्या होता है, ऐसा रोबो जो कि कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करते हुए वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल हम देते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरुआत में, मैंने आपको बताया था पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग ऑन अ कार, दो कोट्स करनी है आपको ठीक है। कोई कार है आपके पास, उसके ऊपर आपको दो कोट स्प्रे पेंटिंग करनी है। तो अब ये क्या है, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहा है रोबो, ये देखो रोबो ऐसे करेगा ना उसको कलर, तो ये क्या पॉइंट टू पॉइंट है या कंटिन्यूअस है। यस रिप्लाई फास्ट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअसली ठीक है। तो यही है इसमें इंटरेस्टिंग बनाना, जिसे लेक्चर को कहते हैं, अदरवाइज आप सब चीजों को रट नहीं सकते, देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग ठीक है। ये कार है, रोबोटिक आर्म के अंदर कोई स्प्रे गन पार्ट है, वो सब अभी भूल जाओ ठीक है। रोबोटिक आर्म इज डूइंग दी वेल स्प्रे पेंटिंग ठीक है, तो वो यहाँ पे स्प्रे पेंटिंग की हेल्प से जो भी कर रहा है। तो ये अब जो ऐसे मोशन हो रहा है, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट है या कंटिन्यूअस है, ये पूछा जा रहा था। कलर कर रहे हो आप जैसे, तो ये कंटिन्यूअसली ही कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब आप पिक और प्लेस कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक पॉइंट से उठा रहे हो और दूसरे पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को
रख रहे हो, तो अब वो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो यहाँ आ चुका है, तो पहले वाली जगह से उसे इरेज कर दो। ठीक है, सिंपली इरेज दैट। तो ये भी आपने आंसर कर दिया। देन दूसरा तरीका क्या होता है, ओपन लूप क्लोज लूप, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट डिफाइन देम फॉर वाइवा एज वी डिफाइन देम इन सीएनसी पोजिशनिंग सिस्टम। तो अब आप आंसर दोगे, यस, सीएनसी में क्या होता था, ओपन लूप सिस्टम क्या होता था और क्लोज लूप क्या होता था, वही वही सेम आंसर यहाँ लिखना है एक एक लाइन। ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या फर्क है, फीडबैक फीडबैक का। तो जिसने बोला बहुत अच्छा बोला, किसने बोला, मनन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया। आप बोलोगे सीएनसी मशीनिंग में क्लोज लूप में देर इज अ फीडबैक एंड इन ओपन लूप देर इज नो फीडबैक। सिमिलरली इन अ क्लोज लूप रोबो देर इज अ फीडबैक एंड इन अ ओपन लूप रोबो देर इज नो फीडबैक। डायग्राम के साथ यहाँ देख लिया था हमने कौन से फीडबैक की बात हो रही है, जो मैनिपुलेटर से जाता है वापस रोबोटिक कंट्रोलर के पास। अब वर्ड लगा दिए, देर इज अ फीडबैक फ्रॉम द रोबोटिक कंट्रोलर, फ्रॉम द मैनिपुलेटर टू द रोबोटिक कंट्रोल, वर्ड्स भी लगा दिए मैंने, अब तो कोई डाउट ही नहीं बचा। ठीक है, फ्रॉम द मैनिपुलेटर टू द कंट्रोलर, तो ये और भी आसान है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, हम टफ कहते हैं बिकॉज स्टूडेंट इज नॉट लिसनिंग द लेक्चर, तब टफ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबो, सिलेंड्रिकल पोलर, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, इस शेप के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, शेप नहीं बोलेंगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, 5-5 मिनट से भी कम लगेगा हर रोबो में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबो, कार्टेशियन, इसके आप लिखोगे, देखो यहां मैंने मेंशन किया है बिफोर अंडरस्टैंडिंग रोबो टाइप्स ऑफ जॉइंट को अगर आप फर्दर जानना चाह रहे हो कि आर जॉइंट पी जॉइंट, ठीक है, तो वो आप 2D डायग्राम्स इसके लास्ट के पेज पे गिवन है, क्योंकि ये दूसरी बुक स्टार्ट हो गई है अब। अब खुशदीप गोयल नहीं है ये, जो आप समझ रहे हो कि ये रोबोटिक्स वाले डायग्राम तो उसमें मिले हुए हैं, फिर हम क्यों ये पीडीएफ फाइल पढ़ें, क्योंकि ये दूसरी बुक शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझाया गया है, आर जॉइंट और पी जॉइंट, क्योंकि आप मेरे पढ़ाने के बाद ऐसे ही फाइल खोलोगे, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। मीनवाइल मैं टाइम सेव करने के लिए व्हाइट बोर्ड को डायरेक्टली यूज कर सकती थी, ठीक है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए वहाँ लिखा है तो कहाँ तक स्क्रॉल करना है, ठीक है, आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा है उसका आंसर, जॉइंट इज अ कनेक्शन बिटवीन लिंक्स इन अ रोबो दैट अलाउ स्पेसिफिक मोशन। एकदम टेक्निकल डेफिनेशन है, जॉइंट क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन लिंक्स, ये बात पहले भी आई थी, दूसरा तरीका डिफाइन करने का है। अब जॉइंट कितने तरीके का होता है, एक होता है रोटेशनल, रिवोल्यूट या रोटरी, रोटरी जॉइंट। ठीक है, तो जो रोटरी जॉइंट होता है उसको हम सिंबल क्या देते हैं, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आर जॉइंट। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है लीनियर और प्रिज्मेटिक जॉइंट, जिसका नाम क्या होता है, एल जॉइंट, वो सिर्फ लीनियर मूव कर सकता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट कैन ओनली मूव लीनियर या ट्रांसलेशनल या स्लाइडिंग मूवमेंट कर सकता है। और रोटरी जॉइंट क्या कर सकता है बताओ, रोटेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, दिस टाइप टाइप ऑफ जॉइंट इज अलाइंग दी रोटरी मूवमेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसे नहीं समझ में आई मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ, आर जॉइंट। अच्छा यार यहाँ पे लिखना बेकार है, वर्ड पैड पे लिखते हैं तो सही है। जॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, यस, रिप्लाई फास्ट हेयर, यहाँ पे आपका इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, यस, नहीं हुई है तो आप इस एक लाइन को दोबारा से पढ़ोगे।
कोई लाइन आप खुद नहीं क्रिएट कर रहे, आपको सब मिल रही है। अ जॉइंट इज अ कनेक्शन बिटवीन लिंक्स इन अ रोबोट दैट अलाउ मोशन, क्योंकि इसी की हेल्प से मोशन होता है। अब लिखा है हम सिंपल आर, ये एकदम बिगिनर नहीं समझ पाएगा इसको। टाइप्स ऑफ जॉइंट में हम मैंने क्या लिखा है, कैपिटल आर जॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, आर फॉर रोटरी जॉइंट, रिवोल्यूट जॉइंट। तो रोटरी मीन्स इट इज ओनली डूइंग द रोटेशन मूवमेंट, ठीक है, वो आप समझ गए। देन प्रिज्मेटिक जॉइंट का क्या होता है सिंबल, पी जॉइंट, पी जॉइंट। तो बस इस पे ध्यान रहेगा अब आपका, जॉइंट पहला डिफाइन करना है, पहले लिंक को डिफाइन करा था, फिर जॉइंट को करा, अब आर जॉइंट को करा, अब पी जॉइंट को करा, कि पी जॉइंट इज प्रिज्मेटिक या दूसरा नाम लीनियर जॉइंट, और वो सिर्फ लीनियर मोशन ही करता है। तो एक टाइम पे आप एक तरह का जॉइंट अटैच कर सकते हो एक रोबो में, हो सकता है आप दो तीन तरह के जॉइंट्स लगा दो जैसा वर्क आपको करना है, ठीक है। ह्यूमन आर्म्स आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, हम रोटेशन भी कर पा रहे हैं, हम लीनियर मोशन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस है, आप उसके जैसे एप्लीकेशन आपको करनी है वैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन रोबोट कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको पहले से एक रोबो यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पहले पता है कंपनी में आपको क्या काम कराना है, सिर्फ पिक एंड प्लेस कराना है, ज़्यादा रोटेशन नहीं करानी, तो आप वैसा रोबो चूज़ नहीं करोगे, कॉस्ट वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है प्रैक्टिकली, आर जॉइंट और पी जॉइंट। अब किसी रोबोस में एक आर जॉइंट लगा हो सकता है, किसी में दो, देखते हैं किस में एक है और किस में दो है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है सिर्फ, कि आर कितना है और पी कितना है। ये क्लियर हो गया आपको, बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड है, ये एक एक लाइन का इस डायग्राम से निकला है ये। और ये वाला आप देख, ये सिर्फ देखने के लिए, रिकॉल लिखा हुआ है, रिकॉल दैट द टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय जॉइंट। ये दोनों लिंक्स हैं, ये वाला और ये वाला, दो लिंक्स हैं और ये जॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो जब ये रोटेशन कर रहा है तो उसे आर जॉइंट कहते हैं, जब ये लीनियर मूव कर रहा है तो उसे पी जॉइंट, लीनियर जॉइंट, तरह तरह के नाम है, प्रिज्मेटिक जॉइंट, पी जॉइंट, लीनियर जॉइंट, रिवोल्यूट जॉइंट, रोटरी जॉइंट, आर जॉइंट। सिंपल है, तीन से ज्यादा नहीं है कहीं भी नाम, ठीक है। यहां भी नहीं समझ में आया, एक बार यहां से पढ़ लेना, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन करता है, रिवोल्यूट रोटरी मोशन कर रहा है, प्रोड्यूसिंग रोटरी मोशन ओनली, ठीक है। और भी इसमें कुछ लिखा है, अब बस आपको फिल इन दी ब्लैंक करना है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक कैसे करना है देखते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इस रोबोट्स को याद करने का, जब तक आप फिल इन दी ब्लैंक करना नहीं सीखोगे, टाइप्स ऑफ रोबो कोई बच्चा याद नहीं कर सकता, ठीक है। इवन वी विल फॉरगेट दैट आफ्टर सम टाइम, अगर हम उसका सिंबल फॉर्मूला कोई शॉर्ट फॉर्म याद नहीं करते तो, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आपको क्या लिखना है फाइल से, दिस इज द कार्टिशन कोऑर्डिनेट रोबो। कार्टिशन कोऑर्डिनेट रोबो क्या होता है, पहले इसके दो तीन नाम और हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो इसलिए ये बबल में प्लेस किए गए हैं। कार्टिशन कोऑर्डिनेट रोबो इज आल्सो नोन एज लीनियर रोबो, ठीक है। कार्टिशन गैंट्री रोबो, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बुक में वो स्ट्राइक ऑफ करके लिख दी गई है, गैंट्री रोबो या रेक्टेंगुलर रोबो, एक्स वाई जेड रोबो, तो ये भी एक नाम है, थ्री पी रोबो। तो इतने सारे नाम सिर्फ कार्टिशन रोबो के हैं, जस्ट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कोई सा भी एक नाम पूछ लेंगे, आप बोलोगे ये वाला तो पढ़ा ही नहीं, बस यही वाला नहीं पढ़ा जो आप पूछ रहे हो, जबकि आप पढ़ चुके थे, आप कार्टिशन पढ़ चुके हो, इसका मतलब लीनियर पढ़ चुके हो, थ्री पी पूछ रहे हैं तो मतलब वही है कि कार्टिशन पढ़ चुके हो, ठीक है। सो अदर नेम्स, हर रोबो के आपको याद करने हैं अदर नेम्स, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मैं इरेज कर रही हूँ, अच्छा इसे बड़ा भी कर सकते हैं हम, बोर्ड को इरेज करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, कार्टिशियन, पूरा नहीं लिख रही मैं नाम, कार्टिशियन रोबो, ठीक है। कार्टिशियन रोबो में आप क्या बताओगे कि इसके कोई अदर नेम्स हैं, तो अदर नेम्स आपने लिख दिए, ठीक है। अदर नेम्स के बाद आप बताओगे कि इसमें कितने मोशंस अवेलेबल हैं, तो आपने क्या बताया, थ्री कैपिटल पी। तो थ्री कैपिटल पी का मतलब क्या हुआ, अभी आपने बोला था पी इज फॉर, यस एनीबडी कैन टेल, थ्री पी क्या होता है, प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक या फिर लीनियर, दो नाम है उसके, प्रिज्मेटिक या लीनियर। तो प्रिज्मेटिक और लीनियर से क्या बना है, थ्री पी,
सो यहाँ पे आप इसका ये देखो लिखा हुआ मिल रहा है सब कुछ, मोशन। इट हैज थ्री लीनियर मोशंस। इस रोबो में सिर्फ तीन लीनियर मोशन ही हो सकते हैं, कोई रोटेशन नहीं हो सकती। इज इट क्लियर टू यू? आगे ये लाइन मैंने बबल में भी लिखी है, क्योंकि लेक्चर तो यही एंड हो जाएगा, सब बच्चे नहीं है, ठीक है, और फिर समझ में आपको बाद में नहीं आएगा, ठीक है, तो हर समय हर डाउट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है मुझे पढ़ा ही नहीं है तो पूछें क्या, इसलिए सब कुछ मार्क करके आपको दे रहे हैं। इट इज नोन एज 3P रोबो एज इट हैज थ्री प्रिज्मेटिक ज्वाइंट। अब तो क्लियर है ये वाली बात जो मैंने बोली है, यहाँ लिख दी 3P क्यों कह रहे हैं इसे, बिकॉज इट इज हैविंग अ थ्री प्रिज्मेटिक ज्वाइंट्स। अब देखते हैं कौन से वो ज्वाइंट्स हैं। फिर लेक्चर कर क्यों रहे हो जब सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मोशन नहीं लिखा हुआ, मोशन यहाँ पर हिडन है। तो मोशन अब इसमें आप देखोगे कि ये वाला जो है एक्सिस, ये पहले बोलोगे जॉइंट, ये जॉइंट है एक, तो दिस इज वन जॉइंट, वन पी जॉइंट, दिस इज अनदर पी जॉइंट, दिस इज अनदर पी जॉइंट, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए बताओ, थ्री हुए या टू हुए? यस रिप्लाई फास्ट, डायग्राम देखो, वन टू थ्री, थ्री हुए, थ्री हुए। आसान बनाने के लिए आप थोड़े रेक्टेंगल की लाइंस कम दिखा देना, लेकिन डायग्राम ऐसा ही बनाओगे। इन्होंने रेक्टेंगल में लाइंस बहुत ज्यादा बनाई है, तो आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये लेकिन ये बहुत आसान है। 2D में यही बनेगा कॉपी में, लेकिन ये बहुत आसानी से आप बोलोगे ये बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है। आप इसे अपनी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाओगे, क्योंकि हमें भी ऐसे पढ़ाने के लिए जल्दी से बनाना था, लेकिन क्योंकि लेक्चर ऑनलाइन लाइव चलता है, इतना सब डाटा नहीं है हमारे पास, तो हम इसे बना के रखते हैं ऐसे, एक दो और फिर तीसरा जो है यहाँ पे हम इसमें शो कर देंगे ये वाली लाइन। तो फिर मैं बताऊंगी कि देखो स्टूडेंट्स, दिस इज दी वन जॉइंट, दिस इज दी सेकेंड जॉइंट, दिस इज दी थर्ड जॉइंट, ठीक है। तो वो आप कहोगे ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जॉइंट्स हैं, तो यहाँ इसलिए वो बेटर दिख रहा है कि दिस इज दी फर्स्ट जॉइंट, दिस इज दी सेकेंड जॉइंट, दिस इज दी थर्ड जॉइंट, और ये तीनों जॉइंट्स में तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है, जैसे हमारे हैंड में जो जॉइंट एल्बो उसके थ्रू मूवमेंट हो सकती है, ऐसे ही यहाँ पे तीन है, तो इसका नाम है 3P। तो आप यहाँ नोट पैड पे शॉर्टकट में याद कर लिया, 3P रोबो। कहीं बुक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखोगे इट इज 3P रोबो, वेरी गुड, कोई मार्क्स नहीं रिड्यूस होगा, मार्क्स बढ़ेगा ही। इट इज अ 3P रोबो, प्रिज्मेटिक 3P रोबो, दैट मींस इट इज हैविंग थ्री लीनियर मोशन। कौन कौन से हैं वो दिखा दिए आपने, एक्स है, वाई है, जेड है। अब बताओ इसकी क्या एडवांटेज है, ये इसका वर्क स्पेस क्या बना, मतलब ये कितने एरिया में मूव कर सकता है, ठीक है, तो कितने एरिया में मूव कर सकता है, ये सिर्फ यहाँ आंसर लिखा हुआ है बबल में, देखो क्या लिखा है, वर्क स्पेस इज रेक्टेंगुलर, तो ये सिर्फ रेक्टेंगुलर एरिया तक ही ऑपरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे मूवमेंट करनी है या तो, ठीक है, या ऐसे करनी है, ठीक है, या एक ऐसे, तीनों 90 डिग्री की मूवमेंट्स हैं, तो जो इसका वर्क एरिया जिसमें ये घूम सकता है फ्रीली, वो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी आर्म ये वाली यहाँ तक जाएगी, ठीक है, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये हो सकता है इसे वापस करना है, तो वो एक इसी एक्सिस के अलोंग आएगा, घूमकर ऐसे गोल घूमकर नहीं आ सकता वो, ठीक है। तो इसका जो एरिया बना, वर्क स्पेस, वर्क एनवेलप, वो क्या बना है, आंसर इट फास्ट, रेक्टेंगल। अब 3D में दिखाऊंगी कैसे बना है, क्योंकि यहाँ 2D डायग्राम की रेलेवेंस खत्म हो गई है, और इसकी अब आप एक एडवांटेज मेरे को बता दो क्या है। इट इज वेरी हैवी, इट इज वेरी हाई रिजिडिटी, इट कैन कैरी हाई लोड, एडवांटेज इसकी ये है। डिसएडवांटेज क्या है, जब आप इसे सिर्फ रेक्टेंगल में ही घुमा सकते हो, इसका मतलब मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस, इट कैन नॉट रीच ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर पे जो रखे हुए हैं, नहीं जा सकता, स्पीड स्लो है, कोई सी भी दो याद करो, नो नीड टू लर्न एवरीथिंग। आपका एम है कि इस पे एक शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म करना है, हाउ मच यू आर पॉइंट्स यू आर लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। सारा कुछ समझा दिया मैंने, 3P RP क्या होता है। अब आपने कहा कि ये सिर्फ रेक्टेंगल में घूम सकता है, तो ये इसका मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है, रोटेशन नहीं है इसमें। दूसरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबो नाम से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सारे एक जैसे लगेंगे आपको थोड़ी देर बाद, इसलिए उसे आसान बनाने के लिए हम उसे नोटपैड पे लिखते हैं सिलेंड्रिकल। अभी मैं लिख नहीं रही, आप सिर्फ सुनोगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबो, ठीक है, पूरा लिखना आप बाद में जाके इसे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबो इज अ रोबो विच इज हैविंग 2RP। ये एक फॉर्मूला याद करो पहले आप, 2RP है या R2P है, देखो R2P है, दोनों में फर्क है, R2P रोबो है ये कौन सा रोबो है,
इतना याद कर लिया ना जिसने, वो सब आंसर अपने आप दे देगा। इसलिए बिठाया जा रहा है 1 मिनट आपको, 5 मिनट हर एक का, एक आरपी आरपी सुन के चले जाओ और उसके बाद के 5 पॉइंट आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा है कि ये आर टू पी से मैम हम 5 लाइनें कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं। आर का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी, वॉइस रिप्लाई करो अफसर। रिवोल्यूट, रोटेशन, रोटी, हाँ रिवोल्यूट, रोटरी, हाँ तो रोटरी। तो आर का मतलब रोटरी जॉइंट से है यहाँ पे इनका, ठीक है। और रोटरी जॉइंट कहो या रोटरी मोशन कहो, क्योंकि एक रोटरी जॉइंट एक रोटरी मोशन दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब रोटरी मोशन भी है, तो दोनों ने सही आंसर दिया है, ओ रोटरी मोशन, ठीक है। तो वो रोटरी मोशन एक है या दो है, तो जब आर लिखा है तो इसका मतलब वो कितना है, वन है, वन हिडन है। तो आप क्या लिखोगे, वन रोटरी मोशन, ठीक है। और कितने पी हैं, पी कितने लगे हुए हैं, टू टू। तो फिर लिखोगे इट हैज, अब इंग्लिश की लाइंस पूरी बनाना, इट हैज वन रोटरी मोशन एंड टू प्रिज्मेटिक और लीनियर मोशन। प्रिज्मेटिक से कभी समझ नहीं आता, इसलिए प्रिज्मेटिक के ना सामने हमेशा लिख के आना लीनियर मोशंस। अब देखो वो लीनियर मोशंस यहाँ पर हैं कि नहीं है, डायग्राम ऐसा ही बनाओगे आप। तो देखो ये जो है, ये वाला जॉइंट पॉइंटर इमीडिएट है, बहुत अच्छी बात है। ये लीनियर है क्योंकि ये लीनियर घूम कर रहा है ऐसे टू एंड फ्रो। ये लीनियर है क्योंकि ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो अप एंड डाउन हो तो भी लीनियर होता है और टू एंड फ्रो हो तो भी लीनियर होता है। लेकिन ये जो रोटेशन है इस कॉलम की, इस कॉलम की रोटेशन कैसे हो सकती है, रोटेशन हो सकती है, इसका मतलब उसमें आर जॉइंट भी आ गया है। सो इट इज हैविंग, पहली लाइन आपने निकाल दी, इट इज हैविंग वन आर एंड टू पी। इट हैज, नहीं समझ में आ रहा तो आंसर लिख के दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, इट हैज वन आर जॉइंट टू प्रिज्मेटिक जॉइंट। सो दिस मीन्स इट्स, इट इज हैविंग अ टू लीनियर मोशन ऑल्सो एंड दिस इज वन रोटरी मोशन। ये जो एरो आपने दिखाया है ना, हमेशा उसे लेबल करोगे। अगला पॉइंट क्या है, वर्क स्पेस क्या बना। अब ये रोटेशन भी कर सकता है, तो वर्क स्पेस इस आर्म को कितने एरिया में घूम सकती है, तो वो क्या है, सिलेंड्रिकल। ये 3D एनिमेशन में दिखता है सिलेंड्रिकल कैसे है। फिर इसकी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आप याद करोगे। क्या एडवांटेज दिख रही है आपको यहाँ पे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, वर्क स्पेस का एरिया बढ़ गया है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक अभी भी ये 360 डिग्री घूम नहीं सकता, रोटेशन इसमें 360 डिग्री नहीं है, थोड़ी सी रोटेशन है लेकिन 360 डिग्री मूवमेंट नहीं है। तो अगले रोबोट पे आ जाओ, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट रोबो। पोलर कोऑर्डिनेट रोबो का मैं फिर से यही कह रही हूँ, ऐसे इसे एज इट इज याद मत करना कभी भी, कुछ नहीं समझ पाओगे अगर ऐसे इसकी लाइंस पढ़ने बैठ गए किसी भी बुक की। आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, मैंने ये शॉर्टकट बना रखा है, टू आर पी। तो अब मैं यहाँ से, आप सिर्फ इस पे देखोगे, पोलर लिखोगे एक बार और क्या लिखोगे, टू टू आर पी। अब आपका होमवर्क शुरू है। अब हर स्टूडेंट बताएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर रोबो इज अ टाइप ऑफ रोबो विच इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिवोल्यूट, टू टाइप्स ऑफ रोटरी मोशन एंड वन टाइप ऑफ प्रिज्मेटिक और लीनियर मोशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या इसका डायग्राम बनाया, वो आपने ये वाला बनाया है। वर्क पीस कैसा क्रिएट हुआ यहाँ पे, ओ वर्क पीस किस एरिया, किस लिमिट तक घूम सकता है वर्क पीस के आसपास, वो एक स्फेरिकल वर्क स्पेस क्रिएट करेगा। तो ये आंसर आपको याद करना है, स्फेरिकल। दूसरा आंसर भी आपको याद हो गया, स्फेरिकल। यही दोनों मुश्किल हैं, बाकी तो आप अपनी मर्जी से अब आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दो रोटेशन हो रही है। तो आप कहोगे इट इज़ मोर गुड, वाई इट इज़ मोर गुड, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ मैक्सिमम रीच। उसमें रीच जो आर्म जा सकती है, बियॉन्ड इट्स बेस ऑल्सो जा सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लिमिटेशन लोड को कैरी नहीं कर सकता, ये लोड को कैरी करना था तो कौन सा करना था, कार्टिशन ही करना था। तो इसलिए जैसी एप्लीकेशन है, मैंने कार्टिशन की एडवांटेज सबसे पहले क्या बताई थी, ये भारी से भारी लोड उठा सकता है ये, ठीक है, कितना भी किलो है उतना वो उठा सकता था। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि हम पोलर रोबो यूज करते हैं और चलो उठाओ इतना सारा हैवी वेट, नहीं। इसे तब यूज करो जब रोटेशन आपको ज्यादा चाहिए। फोर्थ इज द आर्टिकुलेटेड जॉइंटेड आर्म या रिवोल्यूट आर्म, या ये नेट से देख के नाम लिखा गया है, एंथ्रोपोमोर्फिक रोबोट। तो ये इतने सारे नाम है, अब आपसे कोई सा भी एक पूछ लेंगे, आई डोंट नो। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकुलेटेड रोबो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला या शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है 3R। तो ये तो सबसे अच्छा माना जाता है 3R, क्योंकि इसमें तीन रिवॉल्यूशन आपको मिल जाती है। 3R मींस तीनों जॉइंट में तीन तरह की रोटरी मोशन हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है देखते हैं। फर्स्ट ये वाला जॉइंट है, इसमें भी रोटेशन का सिंबल है। सेकंड ये वाला जॉइंट है, रोटेशन सिंबल। तीसरा ये वाला, रोटेशन सिंबल। सो इसका
वर्क स्पेस क्या बनेगा, वो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, स्फेरिकल वर्क स्पेस भी बनेगा और इररेगुलर भी अपनी मर्जी से कहीं मूव कर सकता है, ठीक है, और स्फेरिकल भी मूव कर सकता है, मतलब किस एरिया तक इसकी आर्म जा सकती है, जैसे ये इसकी आर्म है, ये कैसे घूमेगी, ये सर्कल में घूमेगी, ये रेक्टेंगल में घूमेगी, स्फीयर में घूमेगी या इररेगुलर, तो ये वर्क स्पेस स्फेरिकल में भी घूम सकता है या कहीं इररेगुलर है इससे बाहर भी जाना है, थोड़ा ऐसे इररेगुलरिटी भी को भी फॉलो कर सकता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर बेटर, बहुत ज्यादा बेटर है ये। गुड रीच, गुड रीच मीन्स द आर्म कैन मूव फर्दर, असेंबली के लिए यूज होता है, क्यों जरूरत आ गई इतनी सारी रोटेशन लगाने की, क्योंकि जब असेंबली करनी है तो आर्टिकल्स को टिल्ट भी करना है, नट में बोल्ट फिट करना है, आप चाह रहे हो ह्यूमन बींग को प्लेस ना करें तो रोबो को प्लेस करो, और कौन से रोबो को प्लेस करो, ये वाले को, आर्टिकुलेटेड रोबो को। सो दिस इज द क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्या है इसकी, दिस इज असेंबली, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इनएक्यूरेसी हो सकती है, तो चाहे आप अलग अलग मत लिखो शब्द एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन इसके ऊपर एक पैराग्राफ याद जरूर करोगे, जो कर सकता है अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज वो और भी अच्छी बात है। एक रोबो जो बचा है वो है स्कैरा रोबो, स्कैरा मीन्स सेलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबो आर्म, इसका वर्क स्पेस एकदम सर्कुलर होता है, इसमें भी वही है, 2P है और 1, ठीक है, 2R है और 1P है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो दो रिवोल्यूट जॉइंट्स हैं इसमें वो पैरेलल्ड हैं, जैसे आप ये देखो, ये एक रिवोल्यूट, ये रोटरी जॉइंट दिख रहा है आपको, एक सर्कल, यस, रिप्लाई फास्ट, यस मैम, हाँ, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सिस जो है, ये सब कुछ रहेगा आपके पास, कभी भी आप पढ़ लोगे, ये इसकी एक्सिस ये वाली है और ये है, तो इसकी एक्सिस भी यही वाली है, तो इनकी दोनों एक्सिस जो है वो पैरेलल है, रोटरी जॉइंट है दो लेकिन पैरेलल है, ऐसा ऊपर वाले केस में नहीं हो रहा था जहां पे दो आर आए थे, क्योंकि वहीं से आप कंफ्यूज करोगे कि मैम वहीं पे भी दो थे यहाँ पे भी दो हैं, एक्सिस में फर्क है, देख लेना आप कहाँ पे दो आर आए थे, यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो इसमें सेम चीज नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। और इसे क्यों यूज करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली यूज इन असेंबली टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन टू होल, ठीक है, एक असेंबली का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सिंपल एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, नथिंग मोर देन दैट, आप हर स्टूडेंट की मर्जी है, चाहे तो वो एक पैराग्राफ ऐसे लिख दे जैसे इस बुक ने लिखा है, उसकी मर्जी है, वो ऐसे भी लिख सकता है तो ज़्यादा अच्छा आंसर लगता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी है याद करने में, तो लिमिटेशन वाले पॉइंट को छोड़ देना जो याद नहीं हो रहा, लेकिन एक डायग्राम और 3 लाइन्स वर्किंग की तो हमेशा आएंगी, जैसे मैंने बोला ये भी असेंबली में यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये असेंबली में यूज़ हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, कार्टिशन अभी बताओ, हैवी लोड को उठाने के लिए हो रहा है, ठीक है, फिर कौन सा बचा, सिलेंड्रिकल को यूज़ हो रहा है, ऐसे ही उसका आंसर लिखो, तो एक आंसर आपको हमेशा याद रहेगा हर टाइप के रोबो का, पॉइंट टू पॉइंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो नहीं समझ रहा था मेरी बात, सब जो पॉइंट को उठाते हैं, पिकअप प्लेस, वो यहाँ से पड़ेगा, सिर्फ इस रेड कलर की लाइन को लिखोगे, सीपी रोबो कंटिन्यूअस पाथ में भी एक ही लाइन लिखोगे, मैंने बता दी है, ठीक है। एक इसकी एनिमेशन देख लो आप, एप्लीकेशन तो आपको क्लियर बहुत ज़्यादा आपने सुन ली है, वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, पूरा पैराग्राफ लिखने मत बैठ जाना, आप सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखोगे, वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, हेडिंग, और उसके बाद एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मटेरियल हैंडलिंग, पार्ट ट्रांसफर, असेंबली से भी आप समझ गए, जॉइन द टू पार्ट्स, ठीक है, तो एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन, चेक करना, ये सब मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब आप इसका देख लो, एक क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगी वो आपसे कि क्या टेक्निकल नाम होता है, वो ये डिस्कस नहीं कर रहे आज, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है उसे मैं एनिमेशन के साथ दिखाऊंगी, लेकिन तब तक आप इसका आइडिया रखोगे, चाहे इसे सारा कुछ कॉपी में उतार लो, ताकि आपको मेरी तरह ऐसे फाइल ढूंढनी ना पड़े, ऐसे स्क्रॉल ही करते रह जाओगे वरना फाइल, तो सारे मेन पॉइंट्स उतार लो, और उसके बाद सिर्फ कल ये वाला डायग्राम दिखाएंगे, और इसमें बहुत मुश्किल नहीं है जब, ठीक है, इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है उसे रोटेशनल ट्रैवर्स कहते हैं, जब इसमें वर्टिकल, ठीक है, ये जो आर्म है ये वर्टिकली मूव कर रही है इस प्लेन, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ये वाला, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे अप एंड डाउन मूव कर रही है तो उसे वर्टिकल ट्रैवर्स वर्ड कहते हैं। रिस्ट, ये वाला पार्ट होता है रिस्ट में, स्विवल क्या होता है कि जब इसकी फिंगर्स रोटेट कर रही हैं, ग्रिपर की फिंगर्स रोटेट करती हैं तो उसे स्विवल नाम कहते हैं। रिस्ट यॉ का मतलब क्या होता है, उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ठीक है, तो ये सब आपको डिफिनेशन एक एक लाइन की लिखनी है,
जो एक बिगिनर के लिए मुश्किल है, बाकी तो सब आसान है। स्विवल का मतलब रोटेशन ऑफ द रिस्ट, एज इट इज लर्न करना है आपको, कोई चेंज नहीं कर सकता स्टूडेंट इसमें। स्विवल इज रोटेशन ऑफ द रिस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन को आप चेंज कर सकते थे, 10 की जगह 7 लिखो, 10 की जगह 5 लिखो, इसे नहीं चेंज कर सकते थे, ठीक है। रिस्ट स्विवल इज रोटेशन ऑफ द रिस्ट ऑलवेज। रिस्ट बेंड इज अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, जब रिस्ट ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक। नहीं सुनी, जैसे एनिमेशन पे जाना। अच्छा ये ऐसे दिखाता है क्या आपको, बाय सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, रोबोस की कौन सी थी, ऐसे तो मुश्किल हो। फिर रोबोस वाले चैप्टर में मैंने पुट की हुई है, उसी को देख लेना डायरेक्टली। रोबोस दिस इज दी वर्क स्पेस, ठीक है। ये वाली आपको देखनी पड़ेगी, दो हैं इसमें। एक तो 2 मिनट की जो टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन कर रही है, एक वर्क स्पेस की जिसे मैं बात कर रही थी ना, कि कार्टिशन सिर्फ रेक्टेंगुलर में ही वर्क करता है, एक स्फेरिकल में वर्क करता है एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन हम दिखाते हैं, इसमें एड भी प्ले हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए होमवर्क में दी जाती है, आप घर पे बैठ के इसको बाद में देखो। समझ Also named 3R robot due to its access, is the most used industrial robot because of its high flexibility. A reason for us to have a closer look at its also named 3R robot. The universal robot. पहली लाइन क्या ये बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रोबो, ये नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको पीडीएफ फाइल में। क्या लिखा बोला इन्होंने, कैपिटल 3R। तो जो 3R मैंने बोला था सबसे अच्छा है, 3R मींस तीनों तरह के रिवोल्यूट रोटरी जॉइंट्स उसमें प्रेजेंट है, तीन रोटरी मोशन है, इसलिए पॉज कर करके सुनोगे। मैं तो अभी कितना भी बोलूँ आपका डाटा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप सुनोगे। अब मैंने सबको समझा दिया है, यूनिवर्सल रोबो इज 3R। कैसे रेक्टेंगल बनाएगा ये, अब देखते हैं, या ये रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, सर्कल बनाएगा, तो वो देखना है आपको। Also named 3R robot due to its access, is the most used industrial robot because of its high flexibility. A reason for us to have a closer look at its schematic. देखो, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से पिक कर रहा है, वहां प्लेस कर रहा है, फिर पिक कर रहा है, फिर प्लेस कर रहा है। आगे ये क्या कह रहे हैं, इसकी क्लोजर लुक लेंगे तो इसकी काइनेमेटिक समझ में आएगी। A fellow will drive each axis with his teach panel, so we get an impression of this robot. First axis drives the waste. ये बता रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ठीक है। तो जो मैंने रोल, पिच, यॉ ये बात कर रही थी, ये टेक्निकल टर्म आप डेफिनेशन याद करोगे ना तभी समझ में आएंगी, लेकिन ये एक एक चीज को घुमा के एक बार में दिखा रहे हैं, ठीक है। द सेकेंड एक्सिस मूव द रोबो शोल्डर, तो ये शोल्डर की रेड कलर की एरो की मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो ये 6 तरह की मूवमेंट हो सकती है इस रोबो में, तो इसे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सेकेंड एक्सिस मूव्स द रोबोट शोल्डर, the elbow of the robot is driven by the third axis. With these 3 axes, you can position the TCP within the work envelope of the robot. TCP, tool center point को हम कर सकते हैं, position. If the robot slides along a track, he would have a further degree of freedom in form of a linear movement. अभी जो robots हैं हमारे पास वो fixed हैं, तो हमने उन्हें motion करने के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर रखी है, लेकिन ये कह रहे हैं अगर इसी रोबो को भी स्लाइडर पे लगा दिया और वो स्लाइड करके चलने लगा, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगी। The work envelope can be described as spherical. अब देखो ये इन्होंने बोला है वर्क एनवेलप, किस एरिया में वो वर्क कर सकता है रोबोटिक आर्म, वो यहाँ पर 3R के लिए स्फेरिकल है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने खुद दिखाया है ऊपर नीचे रोटेट करते हुए जा रहा है, तो क्या क्रिएट हो रहा है, एक रेक्टेंगल क्रिएट नहीं हो रहा, एक स्फीयर क्रिएट हो रहा है। The work envelope can be described as spherical. ये क्लियर हो गया, यस रिप्लाई फास्ट। ग्रे कलर का जो एरिया दिखाया था वो स्फीयर है, yes, ma'am. वो रेक्टेंगल नहीं है, yes, तो हम ma'am. इसलिए एनिमेशन देखना बहुत जरूरी है, बाद में कभी भी फ्री टाइम में आप देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। The angle of the robot hand is named as orientation. In... अब ये वाला नहीं मैं कर रही, इसमें ये रोल पिच यो की भी डेफिनेशन समझा रहे हैं हेलीकॉप्टर की एग्जांपल से। अब एक देखते हैं कौन सा हमने बताया था सिलेंड्रिकल होता है। Moves with tool context. You use terms which comes from aviation. Moves with tool. You use terms which comes from aviation.
roll rotates the tool about its center axis. ठीक है, ये सेंटर एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हुई है, ये वाला घुमाव, तो ये सब दिखाना बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये एनिमेशन दिखाई जाती है कि अभी जो ऐसे घूमता हुआ आपने देखा उसको क्या कहते हैं. ठीक है, देन moves with tool vertically. पिच क्या होती है? जब टूल वर्टिकली मूव कर रहा है, क्योंकि इस ग्रिपर में टूल लगेगा, ग्रिपर में हमेशा क्या होगा? टूल. तो वो टूल जब वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो उसे पिच कहते हैं. इस पिच मूवमेंट, पिच इज अ टाइप ऑफ मोशन जो अभी इसने करके दिखाया है, अप एंड डाउन वर्टिकल. अब यॉ बचा, वाई ए डब्ल्यू, यॉ क्या होता है? यॉ टर्न्स द टूल लेफ्ट एंड राइट, सो यू गेट अ मैक्स. टूल टर्न करे लेफ्ट राइट मोशन, लेफ्ट राइट, तो उसे यॉ कहते हैं. मिनिमम ऑफ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यू वुड यूज दिस रोबोट फॉर एप्लीकेशन लाइक कॉम्प्लेक्स माउंटिंग, आर्क वेल्डिंग एंड पेंटिंग. Let's have a look at how this SCARA can pick these electronic devices and pin their boxes with high velocity. What makes this industrial robot so unique? SCARA, सबसे last type, सबसे अच्छा type, क्यों unique है? On the top view, you can see how this robot gets its high speed at TCP. The angular velocities of both joints are added. The other big advantage is this robot can hold heavy work pieces and can build high forces in the vertical direction due to its axes, which are mechanically rigid in the vertical. This robot provides a circular workspace. Yes, this is the pause. ठीक है, and you will pause the video here. SCARA देता है सर्कुलर वर्कस्पेस. वहां मैं बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था आपको, तो यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि इसकी जो इतनी रोटेशन हुई है, 3R नाम था इसका या क्या था, देखो SCARA का, अब वो यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करके इस पूरे एरिया में, इस रेड कलर के एरिया के अंदर जो भी वर्क पीस आ रहा है वो सबको कॉपरेट करेगी ये. ठीक है, इनकॉर्पोरेट करते हुए उस पर मशीनिंग करेगी. And can reach almost 360 degrees. और एक रोबो में मैंने बताया था रोटेशन है, लेकिन 360 डिग्री मूवमेंट नहीं है. लेकिन SCARA ऐसा रोबोट है जिसमें 360 डिग्री भी आर्म घूमी है, आपने देखा है, और वो कोई सा भी वर्क पीस अराउंड इटसेल्फ विद अ स्मॉल फुटप्रिंट. द SCARA गेट्स अ वाइड रेंज. यू गेट अ SCARA नॉर्मली विद 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हियर्स अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ. यहाँ भी पॉज करके पढ़ सकते हो कि SCARA की एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है. पिक एंड प्लेस, तब से मैं यही बोल रही हूँ, यहाँ से पिक करो, यहाँ प्लेस करो, यहाँ से पिक करा, प्लेस करा. सिंपल माउंटिंग, पैकेजिंग, कोई point. पैकेट करना है, पैकेट जैसे अब हम तो मैनुअली बनाते हैं, पैकेट पैकिंग करते हैं, गिफ्ट की पैकिंग. अब जब कंपनी पैकिंग कर रही है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादा कार्टन्स में आता है, कार्टन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, गत्तों को, ठीक है, तो वो उतने ज़्यादा पैकिंग्स करनी, वो सब कुछ फिर ऑटोमेटिक होने लग जाती है. ठीक है, जैसे पतंजलि शॉप है, तो आप उसका भी ऑब्जर्व करना, पतंजलि इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये तो कहीं ना कहीं वो भी रोबोटिक आर्म्स को मैन्युफैक्चर इंस्टॉल करके यूज करने लग गए हैं, ताकि वो पैकेजिंग में हेल्प करे, कहीं ना कहीं तो हेल्प करे ना. हर जगह तो आप सैलरी दे दो ह्यूमन वर्कर को, करता रहेगा, लेकिन कभी कभी वो थकेगा, सैलरी लेगा, लीव लेगा, तो आप बेटर है, आप उसने कहीं कहीं रोबोटिक्स भी लगा दिए जहाँ जहाँ एक्यूरेसी की जरूरत है. तो बहुत एप्लीकेशन अच्छी है यहाँ पे. SCARA दिखाने का मोटिव क्या है? क्योंकि SCARA सर्कुलर है या स्फेरिकल है, हर बच्चे के मन में डाउट ही रहेगा, मैम स्फेरिकल भी तो यही होता है, सर्कुलर भी यही होता है, क्या फर्क क्या है दोनों में? तो अभी इसमें दिख रहा था आपको क्या फर्क है, और किसी एनिमेशन में मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिख जाए वेल एंड गुड, और टाइम वेस्ट मत करो, इतने ही देख लो जितना मैंने इसमें शो कर दिया है दोनों में, एक रेक्टेंगुलर वाला, फिर शायद वो दूसरा. As a summary, yes, this is the robo. Three R तो नहीं है ये. ये क्या होता है? 3P. बताओ. अभी इन्होंने वर्ड लिखा था लीनियर. लीनियर का दूसरा नाम है कार्टिशन रोबो. कार्टिशन का दूसरा नाम है एक्स वाई जेड रोबो. चार तरह के तो नाम है, तो आप पहले तो ये नाम याद रखो, उसके बाद बोलो ये 3R है या 3P है. तो कार्टिशन क्या होता है? 3P. 3 कैपिटल P मींस उसमें तीन लीनियर मोशन होते हैं जो मैंने दिखाए थे, X, Y, Z. अब आपका क्वेश्चन ये खड़ा हुआ था क्लास में कि वहाँ पे डाउट आया कि
थ्री लीनियर कैसे हो जाते हैं और रेक्टेंगुलर वर्कस्पेस कैसे बनता है। तो अब हम देखते हैं, ये कार्टन्स हैं, बड़े बड़े डिब्बे जो पैक होने हैं, ठीक है, जाने हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो पहली बात तो आप देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इस डायग्राम में, डिब्बे जो हैं जितने भी हैं कार्टन्स, वो बहुत बड़े और बहुत हैवी हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज फॉर पिकिंग अप दी हैवी लोड्स, इजेंट इट, हैवी लोड को पिक कर रहा है कि नहीं, और बहुत इजीली कर लेगा, देखते हैं कैसे। Or linear robots consists of a manipulator mounted onto an overhead system that allows movement across a horizontal plane. ये मैनिपुलेटर है जो माउंटेड है एक ओवरहेड पे, ठीक है, ऊपर इसके ओवर माउंटेड है ये। Here you see a gantry robot handling heavy weights. Due to its axis, this robot is perfect for pick and place applications, and this for a large work area. Due to this, इसको हम यूज करते हैं पिक और प्लेस, यहाँ से उठाओ यहाँ प्लेस करो, क्योंकि अगर आप एक एक डब्बा खुद उठाने खड़े हो जाए, हम कितने भी वर्कर्स लगा दो तो बहुत थक जाएंगे और इतने आउटपुट नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है। तो और इसलिए हम इसको लगाना प्रिफर करेंगे कि ये इसको लगा देते हैं, ये उठाते रहेंगे। Gantry robots are easier to program with respect to motion because they work with an XYZ coordinate system. The workspace has the shape of a rectangle. Again, pause. इसकी rectangle shape क्यों बनी? अब इसने rectangle खुद create करके दिखाया है, क्योंकि ये यहाँ से move कर सकता है इतना, और फिर ये line चलेगा, फिर ये line चलेगा। इस rectangle के बाहर ये move नहीं कर सकता, robotic arm जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उतनी ही उसकी limit है, आपने तीन ही linear joint लगाए हैं, कोई rotation नहीं दे दी कि वो ऐसे करके shift होके इधर चला जाए। तो द वर्क स्पेस क्या बना, रेक्टेंगुलर बना या सर्कल बना? यस बताओ, वॉइस रिप्लाई करो अफसर। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बना। अब आप भूल नहीं सकते इस बात को, क्योंकि अब आपने जब हमने बोला ना स्टूडेंट, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन छोड़ो, इवन वी लर्न इन इमेजेस, हम भी इमेजेस में ही लर्न करते हैं। जो इमेजेस हमें दिख जाती हैं तो हम याद हो जाती हैं, बाकी लाइंस तो आप भी भूल जाओगे कि आप 3RP क्या, 2RP, ठीक है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे 2RP कौन सा था और R2P कौन सा था, नहीं बता सकते, लेकिन जिसका आपने इमेज देख लिया वो याद करोगे। एक एनिमेशन एंड, इसको क्या बोलेंगे मैडम, इसको 2P बोलेंगे क्या? इसको नहीं बोले, हाँ, जिसने पूछा है, ठीक है, उसके पास मोबाइल डाटा अवेलेबल है तो मैं आंसर दे रही हूँ। ये सबसे पहली बात इन्होंने बोली थी, लीनियर रोबो है। लीनियर के चार नाम हो रहे हैं, कौन से, कार्टिशियन रोबो, XYZ रोबो, गैंट्री रोबो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 3P, ये है इसका नाम, 3P रोबो भी कहते हैं इसे, या इसको अब इसमें 3P से बता दो क्या मोशन इसमें बनेगा। 3 prismatic जॉइंट लगे हुए हैं, यानी कि 3 prismatic और लीनियर जॉइंट्स हैं, सो इट विल हैव 3 types ऑफ लीनियर मोशन। कौन कौन से लीनियर मोशन? एक तो ये एक्स एक्सिस पे चलेगा ऐसे, वाई एक्सिस पे चलेगा और जेड एक्सिस पे चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं रोटेट करेगा ये। इसीलिए इसका वर्क स्पेस क्या बना, रेक्टेंगुलर, एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है। तो 3P में से आया कि ये कितने एक्सिस चला, कितने मोशन थे उसमें से आया, कितने एक्सिस चला, एक्सिस चले में से आया कि कितना वर्क स्पेस बना। फोर्थ पॉइंट बनेगा क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो जब ये रेक्टेंगल में ही चल पा रहा है तो बहुत ज्यादा काम तो ये नहीं कर पाएगा असेंबली वगैरह का, ये सिर्फ उठा पाएगा बड़े बड़े हैवी लोड एक जगह से उठा के एक जगह रख पाएगा, उतना भी कर दे वो भी बहुत है, ठीक है। जैसे आपने पतंजलि में देखा, इतने बड़े बड़े डब्बे, ऑर्डर मी ऐप चल गई, अब देखा है आपने किसी ने, पतंजलि ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, ओम करके, ऑर्डर मी, तो वो ओम ऐप से हम क्या करते हैं, घर बैठे सामान मंगा लेते हैं पतंजलि का। तो उससे क्या होता है कि वो इतने बड़े बड़े डिब्बे पैक करके दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी उन्हें करना है, तो वो कहीं ना कहीं रोबोट्स फिटेड करके रखते हैं। और अगर उन्हें डिब्बे पैक भी नहीं करने तो उन्हें कम से कम अपनी इंडस्ट्री से उठा के हरिद्वार से दूसरे एरिया में तो भेजना है ना, आपके घरों के आसपास, आप किसी और एरिया में रह रहे हो, दूसरा स्टूडेंट किसी और एरिया में रह रहा है, तो सब डिब्बे बन बन के कैसे आ रहे हैं, तो इतना इसलिए वहाँ पे रोबोट फिट कर दो, इंस्टॉल कर दो। एक जनरल एग्जाम्पल मैंने लिया है तो ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे ही इंडस्ट्री में आप उसे फिट करके रखो कि आपको वर्क पीस इतने मांगे थे, इतने जा रहे हैं कि नहीं, इस कार्टन में देख लो और फिर ये रोबो वर्क करेगा, क्योंकि हम यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली पिक एंड प्लेस, वो भी बहुत ज़्यादा भारी काम है। You can find this robot not only for handling heavy weights. Here, you see an SMD assembly system with a 3L kinematic. Robots with 3 linear axes provide the advantage of high positioning accuracy because the position of the ये इन्होंने थोड़ा और हायर वाइव आंसर कर दिया कि ये एक प्रिसाइज जो इलेक्ट्रिक सर्किट का बोर्ड है उसकी असेंबली को कर पाएगा, लेकिन अगर ये इसी तरीके से कनेक्ट हुआ तब,
तो सिर्फ हम किसी वर्ड के आगे ओनली मत लगा देना आप रोबोटिक्स चैप्टर में ना कि ओनली ओनली, क्योंकि फिर वहाँ आप नंबर जो हो जाएंगे कम हो जाएंगे. जैसे आपने बोल दिया इट इज़ यूज फॉर हैवी लोड लिफ्टिंग ओनली, क्यों लगा दिया ओनली जब आपको पता ही नहीं कि बाकी कुछ चीज़ कर भी सकता है कि नहीं. तो सिर्फ उतना ही लिख के आना इट इज़ यूज फॉर हैवी लिफ्टिंग लोड, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इन्होंने बता दी सर्किट बोर्ड में असेंबली भी कर रहा है. तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि आप ओनली शब्द कहीं मत लगा के आना. Access can be measured directly. More videos about robots you get in our playlist. ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा कि you can watch this video. तो this was the video only 3 minutes में जो हम एक घंटे से बोले जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रोबोट समझाए जा रहे हैं. तो इन्होंने 3 मिनट में कंप्रेस करके रिवाइज कराने की कोशिश करी और बहुत अच्छा रिवाइज कराया, आधा चैप्टर. ठीक है, आधा चैप्टर तो स्टूडेंट को वैसे पढ़ाना ही पड़ता है वर्बली. दूसरी वीडियो भी आप देख लेना अपने, ये तो और भी छोटी है 2 मिनट. Robots come in all different shapes and sizes, but are frequently classed by their degrees of freedom. Each direction of movement on the robot is considered an act. देखो अब जो भी ये बोल रहे हैं, क्योंकि अब आप बैठे हो लेक्चर में तो अभी समझ के जाओगे, हर रोबो की कुछ मोशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस मूवमेंट को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. एक रोबो कितनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, अगर वो एक मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, दो कर सकता है तो दो है. मैंने आपको बोला रोबो की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 6 कैसे आ रही है, 5 6 कैसे गिन रही है? ये अब आपको गिन के बताएंगे 1 2 3 4. तो ये बहुत अच्छी वीडियो मेरे को लगी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी. एक्सिस ऑफ मूवमेंट, दिस रोबोट रोटेट्स एट द वेस्ट, bends forward and back at the shoulder, and moves vertically at the elbow. तो तीन हो गई, काउंट करा मैंने तीन. Each single movement axis is equal to 1 degree of freedom. हर एक मूवमेंट हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है. इंग्लिश में आप बोलोगे ईच मूवमेंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो अगर इसने 3 मूवमेंट दिखाई है हमें एनिमेशन में तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई. बाकी 3 कहाँ से आई बताओ? बाकी 3 तो बॉडी ऑफ द रोबो से आ गई, मैनिपुलेटर से आ गई. बाकी 3 कहाँ से आ रही है? ये जो ग्रे कलर का पार्ट है इसे क्या कहते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? वॉइस रिप्लाई करो फास्ट. अफसर ग्रे कलर के पार्ट ग्रैब करने के लिए काम आते हैं. हाँ ठीक है, ग्रिपर कहते हैं ग्रैब करने के लिए, बिल्कुल सही नाम. तो चलो अभी आप याद नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया पीडीएफ खोलने का, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट आपको पता है दिस इज अ ग्रिपर, दिस इज अ एंड इफेक्टर. जितने भी नाम हमने आपको याद कराए हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है. तो ये एंड इफेक्टर से क्या कनेक्टेड है? अच्छा, ये पॉज करते हैं तो चला जाता है, इसलिए मीट ऑप्शन नहीं ओपन करना चाहिए, ठीक है. तो ये जो ग्रे कलर का पार्ट है, अब इसकी भी 3 मूवमेंट हो सकती है. 3 मूवमेंट पहले जो आपको आई थी वो समझ में आ गई कि नहीं? रिप्लाई फास्ट. यस मैम, आ गई. कभी भी देख लेना ऐसे बैकग्राउंड में होमवर्क. ईच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑन द रोबोट इज कंसीडर्ड एन एक्सिस ऑफ मूवमेंट, दिस रोबोट रोटेट्स एट द वेस्ट. रोटेट एट द वेस्ट, वन नंबर मूवमेंट, दैट इज 1 नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम. बेंड्स फॉरवर्ड एंड बैक एट द शोल्डर, this is second degree of freedom. And moves vertically at the elbow, third degree of movement. Each single movement axis is equal to 1 degree of freedom. This particular robot is equal to 6 degrees of freedom. It moves along one axis for each of the waist, shoulder, and elbow joints, and along 3 axes at the wrist using pit. रिस्ट, ये वर्ड था एक टेक्निकल, या तो इसे कहते रिस्ट के ऊपर लगा होता है, रिस्ट के पास लगा होता है ये ग्रे कलर का एंड इफेक्टर या ग्रिपर. तो रिस्ट का इन्होंने बोला कि रिस्ट के बाद जो भी लगा हुआ है उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, क्योंकि हम जैसे अपने हैंड को, ठीक है, क्लोज ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से ये भी क्लोज ओपन करेगा. ग्रिपर ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्लोज करेगा, फिर रखने के लिए फिर से ओपन करेगा. तो अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास क्या होनी चाहिए? एक तो इसे भी टू एंड फ्रो मूव करना चाहिए, इसे भी देखते हैं कौन सी 3 बनेंगी. पिच, रोल एंड यॉ. सो पिच, रोल, यॉ, उस वीडियो में भी पिच रोल यॉ की बात हो रही है, इसमें भी ये बात हो रही है, ठीक है. तो आप याद कर लोगे यॉ टू एंड फ्रो है, ठीक है, या पिच क्या है, ठीक है, एक है रोटेशन, तो ये फर्क है.
These particular motions help to locate the tool in the work area and are called position axes. Most robots have at least three position axes to help position the tool in the work area. 3 degree of freedom से हम control करते हैं position of the workpiece को, वो 3 degree of freedom ये वाली हैं. If the robot were to slide along a track, it would have a fourth position axis of linear movement and another degree of freedom. अगर इसे slider पे एक track पे लगा दें, ठीक है, तो एक और degree of freedom बढ़ जाएगी, जिससे position workpiece की एक degree of freedom और बढ़ जाएगी. While the position axes locate the tool in the work area, the orientation axes help orient the tool in relation to the workpiece. अब आप बोलोगे इन तीनों से तो काम हो रहा है, वर्कपीस को हम उठा लेंगे, रोबोट उठा लेगा? नहीं उठा सकता जब तक आप इसे रोटेशन नहीं दोगे इसके ग्रिपर को. अभी आपने देखा ना इसने कितने 2-3 बार रोटेशंस किए, अलग अलग लेफ्ट राइट भी गया है, गोल भी घूमा है, तो इसने तीनों चीज करी है, रोल, पिच और यॉ, और उसको एक एक लाइन में डिफाइन करना है आपको. और फिर ये जो हैवी ड्रम आ रहा है इसके पास एक प्रोडक्ट. हेल्प ओरिएंट द टूल इन रिलेशन टू द वर्कपीस. कैसे ये देख पा रहा है? क्योंकि इस पे विजन सेंसर है और अब इसके पास टच सेंसर है, इसे पता है इसने टच कर लिया, अब इसे उठाना है, तो ये रोबो के अंदर सेंसर फिट है तभी ये सब कुछ कर पा रहा है. हम तो देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके पास देखने की पावर नहीं है, ये वीडियो कैमरा से देख रहा है और टच सेंसर से ये सेंस कर रहा है कि इसने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद ये इसे कहीं रखेगा. तो ये सब प्रोग्रामिंग है इसके अंदर स्टोर्ड, ठीक है. The types of movement along orientation बदल दी. Orientation axes are defined as pitch, roll, and yaw. These movements all occur from the same joint, the wrist, but along 3 distinct axes. This type of movement is most easily illustrated as it relates to aircraft movement. रोल एक्सिस के अबाउट है मूवमेंट, ठीक है, पिच यॉ जो इसने दिखाया. The robot's tool moves in the same way. Pitch moves the tool vertically. ठीक है, ये आप यहीं पे पॉज करके बाद में जाके लिख लेना, पिच मूव्स द टूल वर्टिकली, और ये दिख रहा है आपको. मैंने आपको बार बार बताया था उस कॉपी में, पीडीएफ फाइल में, आपको याद होगा मैं हाइलाइटर चला रही थी, कि वो वर्टिकल प्लेन में जब ऊपर नीचे मूव करना है तो दैट इज पिच. देखो ये है कि नहीं है, पिच मूव्स द टूल वर्टिकली. यस अफसर, रिप्लाई फास्ट बिकॉज यू आर द मॉनिटर नाउ. दोनों मॉनिटर्स बाकी नहीं है, और फोर्थ मॉनिटर मैंने किसे बनाया था, अभिषेक को. Fourth hai. Anybody else can reply also because I will not minimize the window now. Vertical movement hai to technical name roll kya hai? Roll rotates the tool about its center axis. Yes, roll naam se clear ho raha hai. ROLL. Roll is rotating. Roll abhi dekho aapne. Yes, kisi ne jawab diya. Afsar, aap de rahe ho jawab. Main piche pitch. पिच जो है वो क्या है, देख लो, अभी के अभी जो आते हो तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, यहाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ बैठ के कर लेंगे खुद ही बाद में, आओगे तो यहाँ से कुछ गेन नहीं करके जाओगे. The robot's tool moves in the same way. Pitch moves the tool vertically. Tool moves जो है ये वर्टिकली जो मूवमेंट हो रही है इस ग्रिपर की, दैट इज पिच. Roll rotates the tool about its center axis. ये जो इसने गोल रोटेशन करके दिखाया है, देखो कितना बेस्ट एनिमेशन है. आप अपने हिसाब से ढूंढोगे तो पता नहीं कब ढूंढोगे, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करोगे, इसी वीडियो से इसे पॉज करके यहीं से लिख लोगे. रोल मींस रोटेट एट इट्स अबाउट दिस एक्सिस. कॉपी में लिखी हुई तो पीडीएफ में है ही, यहाँ आप देख लो. अब आप नहीं भूल सकते कि रोल होता क्या है. जो बच्चा नहीं सुनेगा वो हमेशा भूलेगा, वो कहेगा मैंने तो एनिमेशन भी नहीं सुनी, लेक्चर भी नहीं सुना, अब मुझे तो याद ही नहीं रहता रोल पिच यॉ. तुम्हें ये 6 डेफिनेशन कैसे याद हो जाती हैं जो इतनी मुश्किल हैं? क्योंकि आपने देख ली एक्चुअल में कि ये रोल मींस रोटेशन, और आर से आपको याद ही हो रहा है रोल मींस रोटेशन. यॉ टर्न्स द टूल लेफ्ट एंड राइट. यॉ ही बचा है अब आपका डाउट, वाई ए डब्ल्यू. तो यॉ का मतलब क्या हो गया? टू लेफ्ट लेफ्ट और राइट, जिसे मैं टू एंड राइट. हाँ, तो इसे मैं टू एंड फ्रो नहीं बोलना चाहिए, इसे बोलना चाहिए लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, तो वहां मैं अभी करेक्ट करती हूँ. लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द टूल
और द ग्रिपर इज नोन एज यॉ। तो अब यॉ याद हो गया, लेफ्ट राइट कैसे भी याद करो इसे, यॉ लेफ्ट राइट रोल रोटेट ऑफ द ग्रिपर एंड पिच इज द वर्टिकल मूवमेंट, सिंपल। और तो तीन तो हो गई इसकी ओरिएंटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीन किसकी बनी थी, मैनिपुलेटर आर्म की बनी थी। The position axes movement at the waist, shoulder, and elbow, along with the orientation axes movement of pitch, roll, and yaw, allow the robot to accomplish its tasks within the work envelope. अब ये कह रहे हैं कि position axes की movement, position axes की degree of freedom भी होनी चाहिए, तभी आगे arm आएगी। Arm आगे आने के बाद सारा काम अपने आप नहीं कर लेगा, जब तक gripper के पास ये तीन orientation axis movement नहीं होगी। तो तीन gripper के पास भी power है कि उसके पास भी तीन degree of freedom है, तभी वो इसे गोल घुमा पाएगा, ठीक है। या लेफ्ट राइट भी रखना है, हमेशा गोल तो नहीं घुमाना, कभी लेफ्ट राइट रखना है, कभी गोल घुमाना है, कभी वर्टिकल करना है, तो तीनों चीज कर सकता है, रोल पिच यॉ।